डेंटल इम्प्लांट की सारी ट्रीटमेंट प्लानिंग उसकी स्टेबिलिटी के अराउंड रिवॉल्व करती है। हम चाहते हैं कि पहले दिन से हमारा इम्प्लांट इतना स्टेबल हो जाए कि हम उसके ऊपर दांत लगा सके और पेशेंट खुश होकर खाना खा सके। हाय, आई एम डॉक्टर रोहित शर्मा फ्रॉम GDS डेंटल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्राइमरी स्टेबिलिटी एंड सेकेंडरी स्टेबिलिटी की। क्या इंसर्शन टॉर्क हमें इम्प्लांट स्टेबिलिटी बताता है? इंसर्शन टॉर्क का मतलब यह है कि एक पार्टिकुलर फोर्स पर आप एक स्क्रू को बोन के अंदर घुमा पा रहे हो या नहीं, पर जितना ज्यादा टॉर्क उसका मतलब उतना ज्यादा स्टेबल इम्प्लांट। पर इंसर्शन टॉर्क हमें इम्प्लांट स्टेबिलिटी की एक्चुअल वैल्यू नहीं बताता। जब हम इम्प्लांट स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो तरीके की स्टेबिलिटी। फर्स्ट इज प्राइमरी स्टेबिलिटी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी स्टेबिलिटी। प्राइमरी स्टेबिलिटी का मतलब होता है इम्प्लांट सर्जरी के वक्त इम्प्लांट की कोई मूवमेंट नहीं होना जब हम कोई लेटरल, एक्सियल या रोटेशनल फोर्स उसके ऊपर डालें। और प्राइमरी स्टेबिलिटी इम्प्लांट और बोन के मैकेनिकल कनेक्शन के कारण आती है। और इम्प्लांट की जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे इम्प्लांट फेलियर के। सेकेंडरी स्टेबिलिटी का मतलब है इम्प्लांट की स्टेबिलिटी ओशियो इंटीग्रेशन के कारण आना। सो प्राइमरी स्टेबिलिटी मैकेनिकल कारण से आती है और सेकेंडरी स्टेबिलिटी बायोलॉजिकल कारण से आती है। अगर आप इस इमेज को देखो तो इम्प्लांट के थ्रेड्स बोन के अंदर गए हुए हैं जिसके कारण इम्प्लांट स्टेबल है, यानी प्राइमरी स्टेबिलिटी। अब हम इस इमेज को देखते हैं, इम्प्लांट थ्रेड्स के बीचों बीच बोन बन गई है जिसके कारण इम्प्लांट स्टेबल है और इसको सेकेंडरी स्टेबिलिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी और सेकेंडरी स्टेबिलिटी आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है। अगर आप इस ग्राफ को देखो, प्राइमरी स्टेबिलिटी टाइम के साथ डिक्रीज होती है एंड फर्स्ट वीक से थर्ड वीक तक प्राइमरी स्टेबिलिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। सेकेंडरी स्टेबिलिटी फर्स्ट वीक के बाद स्लोली स्लोली राइज करती है एंड फिफ्थ वीक के बाद थोड़ी स्टेबल होती है। पर आप अगर ध्यान दें, फर्स्ट वीक से फिफ्थ वीक के बीच में एक ये डिप है जिसमें इम्प्लांट स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है एंड इस फेज में इम्प्लांट फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अगर आप पेशेंट को इमीडिएटली टीथ देना चाहते हैं तो आपको विद इन 3 डे ही देने होंगे या फिर आप उसको दांत 2 महीने के बाद दे सकते हो। अगर आप इम्प्लांट को 3 दिन से 6 वीक के बीच में डिस्टर्ब करोगे तो इम्प्लांट के फेल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। पर हम तो पेशेंट का वेटिंग टाइम कम करना चाहते हैं, सो डेवलपमेंट हुई ताकि इस ग्राफ को चेंज करा जा सके। हम चाहते हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी ज़्यादा दिन तक चले और सेकेंडरी स्टेबिलिटी जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाए, ताकि प्राइमरी स्टेबिलिटी जब तक कम हो जब तक हमारी सेकेंडरी स्टेबिलिटी आ चुकी हो। अगर हम ऐसा कर पाए तो हम इम्प्लांट को इमीडिएटली लोड कर सकते हैं, पेशेंट को जल्दी दांत खाने को मिलेंगे और हमारा नाम ज़्यादा होगा। और इसको करने के बाद हमारा ग्राफ लगभग कुछ ऐसा दिखेगा। अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आप प्राइमरी स्टेबिलिटी और सेकेंडरी स्टेबिलिटी को अपने फेवर में कैसे चेंज कर सकते हो ताकि आप इमीडिएटली लोड कर सको। अगर आप भी बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इम्प्लांटोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप इम्प्लांटोलॉजी को अपनी डेंटल प्रैक्टिस में लेके आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसी जगह से आप सीखें जहां पर आपका हाथ पकड़कर आपको चीज़ें सिखाई जाएंगी, जब तक आपका हाथ नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक आप सीख ना जाओ, तो GDS डेंटल अकेडमी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।